छोटी बातों से जीवन
नहीं नहीं बालों के ढेरों से पर्वत और छोटी छोटी बातों से जीवन। छोटी छोटी गलतियों को कभी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा समस्या बन करके उभर जाएगा आपके सामने और उससे आपको बहुत बड़ा दिक्कत होने होगा। फ्यूचर में तो ऐसा ना हो, ये मैच चल रहा है तो मैच चलेगा यहाँ पर। और ये चीज अगर शुरू में किया जाता तो इतना अच्छा यहाँ पर जो हम लोग मैच को देख पा रहे हैं, इसका अगर खास तैयारी करके आता दोनों टीम तो क्या होता यहाँ पर। इसलिए कहते हैं श्री हमने यहाँ पर लक्ष्य को आप उसके ऊपर में फोकस कीजिए, बाकी चीजों में कुछ कुछ ना करे मान ना खोले। खिलाड़ी लोग अपना अच्छा से खेलिए और अपने टीम को क्वालिफाई करवाइए। फाइनल के लिए भी हमने बहुत बड़ा प्राइज मिला है, 50,000 रुपए कैश प्राइज मनी, फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज 40,000 रुपए का कैश है। इसलिए माइंड को जो है उसको पूरा गेम में लगाइए और खेलिए। मौका यहाँ पर बनता हुआ पाकुड़िया टीम से, एक बार फिर से पाकुड़िया की टीम कम नहीं है, जीएमसी इलाहाबाद ये टीम तो बच्चे से टीम को पानी पिला सकती है। उस टीम से एक सिंगाई मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ट्रे करने का मौका मिलता हुआ पाकुड़िया यहाँ पर जल्द खुशवानी करना खतरे से खाली नहीं होगा। जीएमसी इलाहाबाद टीम को मैं खेलते हुए नहीं देखा था, इसलिए इस टीम के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर किस तरह देख पा रहा हूँ कड़ी टक्कर दे रही है एसएनएस हाई स्कूल पाकुड़िया को, लेकिन उसको उसके ओपोनेंट के हाफ में जाना होगा और अटैक करना होगा। पोजीशन रहेगा सर, आपको क्या लगता है हर चीजों में ये छोटी छोटी बातें होती रहती है, इससे किसी को कुछ मतलब गलत माइंड नहीं करना है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, मैंने बड़े बड़े जगह पे देखा है ये सब चीजें, लेकिन आप लोग ऑडियंस जो आप लोग मैच को देखने आते हैं तो मैच को देखेंगे, मैच किस तरह से होता है, कौन से टीम के खिलाड़ी किसने कितना बेहतर किया, किसको क्या प्राइज मिला, सिर्फ इस चीजों को हम लोग देखते हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि कोई बाधा ना हो और मैं कमेंट्री करूँ, आप मनोरंजन हो जिस चीज के लिए आए हैं उस चीज को देखिए। और इसके बाद आप हाई वोल्टेज का मैच देखेंगे, मेंस ग्रुप से जो पहला दूसरा सेमीफाइनल होगा सी जैक्सन गोलकोटा वर्सेस रंगीला नागा के बीच में। दोनों टीम्स के प्रबंधक महोदय अगर आप पहुंच गए हैं अपने टीम को लेकर के तो रिपोर्ट कीजिए कमिटी ऑफिस से, प्लेयर इसका फॉर्म लेके जाइए, आपका मैच बहुत जल्दी होने वाला है। ये फॉर्मेट बड़ा नहीं है, बहुत छोटा फॉर्मेट है ये, इसलिए जो पुरुष वर्ग का मैच है उसमें भी बाधा हो जाएगा, आप लोग लेट मत कीजिए। रंगीला नागा और दोनों टीम्स के प्रबंधक महोदय आप लोग तैयारी में लग जाइए, मात्र 15 मिनट का ये मैच बचा हुआ है और मेडिकल स्टाफ को दिक्कत ना करें आप लोग बैठ जाइए आगे से और हमारे मेडिकल स्टाफ को मैच का आनंद लेने दीजिए भाई। आप लोग थोड़ा बगल होकर बैठ जाइए मेडिकल स्टाफ के आगे में। अरे मरियम एक के सुने मात चीज बाहरे बल्ला पे कमेंट्री के लिए मैं रिंकू सर को माइक पर देना देना चाहूंगा। रिंकू सर आपका स्वागत है। और ये पर धन्यवाद राजेंद्र जी। हां जी मोत्या ए देविका মারিয়াম যেখানে আছে সেই দিকটায় ফেল, সেই দিকটায় আরে ফলো করে
Halo.
खेला बहुत अच्छा था कालीचरण दुर्भाग्यपूर्ण उनकी टीम कहीं बिछड़ गई, लेकिन मैं आशा करूंगा कालीचरण से कि आने वाले समय पर एक बेहतर एक अच्छा टीम बनाकर आइए और इस ग्राउंड से आप विजेता बनकर जाइए। हर चीज में सर एक क्या खुराक होता है, ये माइक्रोफोन में भी कुछ खाना चाह रहा है उसका खुराक है बैटरी, इसके अंदर सेल नहीं डालेंगे तो कैसे वो प्रचार करेंगे हम यहाँ हर गतिविधि को। तो मैं ऑपरेटर साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि समय पर आपने खाना पहुंचाया है, मेरे शुक्रिया। हर किसी को खाना चाहिए समय पर। देखिए और एक्स्ट्रा खाना भी यहाँ पर लेके जा रहा है कि अगर खत्म उसमें होगा तो उसके लिए और दो लेके जा रहे हैं। धन्यवाद भाई आपका, आप जुग जुग दियो, आपके बाल बच्चे खुशहाल रहे, आप भी जबरदस्त खुशहाल रहो। क्योंकि मुझे तो फिलहाल दूसरे के बाल बच्चे देखकर ही खुशी मिलती है, इसलिए मैं दूसरे के लिए शुभकामना हमेशा दे सकता हूँ। और यहाँ से बहुत ही अच्छा आएगा और बाकी का कार्य है चार नंबर के प्लेयर, सॉरी दो नंबर के प्लेयर पूरा करते हुए। मानना पड़ेगा इस कीपर को, कहता है ना कि मेरा इरादा अटल है, जांचेंगे एक प्लेयर का SMS हाई स्कूल पापुरिया के ओर से 12 नंबर की जगह यहाँ 14 नंबर को। तो बहुत ही सटीक समय पर टीम के मैनेजर टीम के कोच ने ये निर्णय लिया है कि एक नया फ्रेश खिलाड़ी को मैदान पर उतारा जाए और देखना होगा ये 14 नंबर के प्लेयर कितना कारगर साबित होते हैं अपनी टीम के लिए। तो जीत जी यहाँ कहता है ना कि आपके पास अगर बेहतर है तो बेहतरीन की तलाश करो, आपके पास अगर बेहतर है तो बेहतरीन की तलाश करो, पास नदियां है तो समंदर की तलाश करो, हौसलों से पंखों से कुछ नहीं होते हैं मेरे दोस्त, आप हौसलों से उड़ान भरो। तो यहाँ कहीं ना कहीं उस हौसले का दाद देना होगा इस कीपर का, क्योंकि बहुत ही सुंदर गलत सिंह की थी। टीम के हौसलों को मैं दाद देता हूँ, हौसला से सलाम करता हूँ। आगे के लिए आप माइक्रोफोन पर आमंत्रित है और मैं पुनः एक बार बताना चाहूंगा कि ये जियो झारखंड क्लब बंसी काटा की ओर से हमारे इस पॉइंट मंच पर हमारे गुरुपूज्य हमारे सर जी श्री गंगामरण जी मौजूद है, ये क्लब उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, उनका स्वागत करती है। उन्होंने अपने समय के बहुत ही बेहतर प्लेयर हुआ करते थे, झारखंड नहीं बल्कि बिहार की टीम से भी इन्होंने उस टीम को प्रेजेंट किए थे और आज उस अंदर में कितना खेल भावना है, कितना स्पोर्ट से लगाव है, महेशपुर से चलकर यहाँ हमारे कोटाल पोखर के बंसी काटा के ऐतिहासिक मैदान पर कहीं ना कहीं खिलाड़ी को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने खिलाड़ी का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मैं पुनः एक बार पूरे क्लब के माध्यम से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं उनका स्वागत करते हैं। तो देखिए अजीत जी यहाँ पर एक मौका बन सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में गोल आया नहीं था, अच्छा मुकाबला कड़ी टक्कर दे रहे थे यहाँ इलाहाबाद की टीम एसएमएस हाई स्कूल के खिलाड़ी को, तो क्या यहाँ से इस सेकेंड हाफ में हम कुछ बेहतर देख पाएंगे, लेकिन पूरा एक बार ऐसा उछली नहीं है बच्ची, लग रहा था कि कहीं ना कहीं वहाँ बॉयज कैटेगरी का खेल हो रहा है और उछल कूद का खेल है भाई, तो थोड़ा सा तो उछल कूद करना पड़ेगा ताकि दर्शक जो जुगाड़ हुए यहाँ दर्शक जो जमा बड़ा बनाए हैं तो उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि अब लड़की किसी से कम नहीं है, हमारे हाथ में फुटबॉल से लेकर तलवार तक भी है और जरूरत पड़े तो हम प्लेन से लेकर वंदे मातरम वंदे भारत तक चला सकते हैं। तो अजीत जी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। अभी इसके सेकंड हाफ में बाहर से पकड़िया टीम ने आक्रमण को तेज कर दिया है, कभी भी एक गोल आ सकता है, तो यहाँ इलाहाबाद पाकुड़ की टीम भी कम नहीं है, लेकिन पूरी तरह से दबाव में खेल रही है यहाँ इलाहाबाद पाकुड़ की खिलाड़ी और यहाँ तेज गति से डिफेंडर जोन के खिलाड़ी 8 नंबर के रूप में अपने साथ खिलाड़ी के लिए बॉल को उठाने को क्या समझ लग गया, आगे बढ़ा दिया है जश्न बसत्र के लिए, बहुत ही यूटी से लग रहा है
एडवांटेज लेके खेल रही है, हालांकि गोल आया नहीं है लेकिन एक बेहतर टीम की तरफ से आई है इस खेल में पकड़िया की टीम और उसको रोकने का कोशिश उसके आक्रमण को रोकने का कोशिश में लगी हुई है अभी इलाहाबाद पाकुड़ के खिलाड़ी। और देखिए क्या शानदार अंदाज में ये क्रॉस पास निकाला था उनको प्ले में रखा है अभी आगे बढ़ रही है क्या उसके से बंदा क्या क्रॉस यहां बेहतर प्लेसमेंट की जरूरत थी उसने सही कांटेक्ट नहीं दे पाई भाई जिसकी वजह से हाई शॉट में चला गया लॉन्ग शॉट हो गया अन्यथा यह गोल आ सकता था। खिलाड़ी लेकिन 14 नंबर के रूप में बॉल को क्लियर करने की कोशिश लेकिन बॉल को जीत भी गया यहाँ पाकुड़िया के खिलाड़ी। अच्छा स्किप करके बॉल को बढ़ाने का कोशिश क्रॉस क्या रीच क्रॉस और पास में जस्ट डाउन करके बॉल को फिर से अपने साथ खिलाड़ी के लिए बचाना चाहता हालांकि एक ही छोर पर समेट दिया है अभी पाकुड़िया के खिलाड़ी ने एमसी इलाहाबाद पाकुड़ को और यहां पर रॉन्ग टैकल गलत तरीके से उन्होंने फील्ड किया खिलाड़ी अदौना द फॉल अनोडे को मिल गया चील का फॉल शॉट हुई गुना 8 नंबर मुझे क्षमता में ना नीचे बढ़िया शॉट फ्री किक द्वारा दादा लिखा है ये रिया रे अनोडे को नीचे फ्री से लग गया गोल नहीं डरेगा ये गेट पास पे तो दूसरा आउट हो रहा है और ये बेहतरीन क्रॉस कर दिया है लेकिन गोल कीपर को तारीफ किया जाएगा अपने टीम के लिए लड़ रही है ये गोलकीपर अभी तक ऐसा नहीं लगा है कि उसे कुछ मिस्टेक होगा। अच्छा कीपिंग की है अभी तक लेकिन अभी वक्त बताएगा अंतिम क्षण तक लड़ने के बाद पता चलेगा पता चलेगा कौन सा टीम बेहतर टीम है। और अजीत जी मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा इस पूरे मालिका टूर्नामेंट पर कहीं से आप देखिए गौर से नजर दौड़ाइएगा तो हर टीम में कहीं ना कहीं किंग का रोल बहुत जबरदस्त होता है। हमने देखा था एक बंगाल की टीम थी उस टीम में भी कीपर